आज अनायास प्रसाद जी की पंक्तियां स्मरण हो आई हैं। हिमालय के प्रांगण में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमारा देश वो देश है जहां ज्ञान विज्ञान का आलोक सबसे पहले फैला और जहां से विश्व भर में यही आलोक विस्तृत हुआ। हमारे ज्ञान विज्ञान की परंपरा में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे खगोल का, ज्योतिष का, व्याकरण का हो अथवा अन्य किसी विषय का, उन सभी में ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान हुए हैं जिन्होंने देश की कीर्ति पताका को दूर दूर तक फहराया है। मुझे इस समय विशेष रूप से स्मरण हो आया है वराह मिहिर का, जिन्होंने बहुत सारे दर्शन के, ज्योतिष के सिद्धांतों को समेटते हुए पुस्तकें लिखी थी इस आशय से कि उसका ज्ञान जन जन के लिए सुलभ हो जाए। कुछ ऐसा ही कार्य कर दिखाया है हमारे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली ने, जिन्होंने ज्योतिष के विभिन्न विभागों पर लगभग 153 पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर साहब की कुछ पुस्तकें ज्योतिष के मंत्र हिस्से पर, कुछ तंत्र विज्ञान पर, कुछ हस्तरेखा पर, कुछ हिप्नोटिज्म पर, यानी कि ज्योतिष का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर उन्होंने लेखनी न चलाई हो और जिसका गूढ़ गहन अध्ययन न किया हो। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपको प्रेरणा कैसे मिली? वैसे तो आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के अध्यापक रहे हैं, फिर आपने ये ज्योतिष की प्रेरणा कैसे पाई, इस क्षेत्र में कार्य कैसे प्रारंभ किया? ज्योतिष में और ज्योतिष से पहले हिंदी काव्य में और हिंदी शास्त्र में एमए किया और उसके बाद में राजस्थान से उसमें डॉक्टरेट किया आधुनिक हिंदी काव्य में। यह तो जीवन का एक क्षेत्र था, मगर इसके साथ साथ मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक चिंतन ज्योतिष का आधार रहा है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे और इसके साथ साथ मैं एक ब्राह्मण होने के नाते और ज्योतिषी होने के नाते उस घर का वातावरण, उच्च कोटि के लोग, उच्च कोटि के व्यक्ति मेरे पिताजी से ज्योतिष के बारे में जानकारी लेने का आते थे। तो मेरे मन में भी ये चिंतन आया कि ये जो प्राचीन ग्रंथ है, अगर उनको सही ढंग से उनका चिंतन विचार नहीं किया गया, आधुनिक युग के संदर्भ में और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर उनको सही ढंग से नहीं देखा गया तो अविद्या ज्यों की त्यों एक संस्कृत में कैद बनकर के ग्रंथों में रह जाएगी। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि इस ज्योतिष को बिल्कुल सर्वसुलभ बनाया जाए और उसमें जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ न्यूनताएं हैं और समाज की बदली हुई पृष्ठभूमियों में या पृष्ठभूमि में जो कुछ व्यावहारिक चिंतन बन सकता है, उस चिंतन को लेने के लिए मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में काम किया। और इस ज्योतिष में मैंने 153 से ज्यादा ग्रंथ लिखे और ये लिखे कि उसमें प्रत्येक प्रकार की विधाओं पर मैंने ग्रंथ लिखे, जिससे कि ज्योतिष अपने आप में सर्वांग पूर्ण बन सके। और उन ग्रंथों के द्वारा मैंने कुछ आधार तो लिया, मगर साथ ही साथ आज के युग में जो कुछ सामाजिक परंपराएं, परिस्थितियां बदल गई, उसमें उन फलित ज्योतिष में कितना अंतर, किस प्रकार से अंतर आया, उस अंतर को भी स्पष्ट करते हुए मैंने उन ग्रंथों में उनका विवेचन किया है और जिसके आधार पर पूरे भारतवर्ष में ज्योतिष को एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन, एक सही चिंतन प्राप्त हो सका है। आपने संस्कार की बात की, शिक्षा की बात की, आपने स्वयं को शिक्षित किया, आपके परिवार में ज्योतिष का संस्कार पहले से विद्यमान था। आप ये बताएं कि एक अच्छे ज्योतिषी के लिए या किसी भी अच्छे विद्वान के लिए इन दो बातों के अलावा, संस्कार और शिक्षा के अलावा, और आप और किस वस्तु को आवश्यक समझते हैं? हमारे प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वराह मिहिर के ग्रंथ हो, चाहे आर्यभट्ट के ग्रंथ हो और चाहे अथर्ववेद में इस चिंतन को हम देखें, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्योतिष अपने आप में एक काल की तीसरी आंख है जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य का चिंतन देख सकते हैं, आने वाली परिस्थितियों को, आने वाली कमियों को, आने वाली न्यूनताओं को। मगर केवल ज्योतिष के माध्यम से संपूर्ण काल को और भविष्य को स्पष्ट आंका नहीं जा सकता। इसके साथ साथ जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और शिक्षा है, इसके अलावा अगर इष्ट दर्शन है, इष्ट चिंतन है, इष्ट साधना है, तो उस साधना के माध्यम से ही उसमें परिपक्वता आ सकती है। चाहे भारत का प्राचीन विद्वान रहा हो, चाहे वो ऋषि रहा हो, अथर्ववेद का रचयिता रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया ही है कि ज्योतिष की परिपूर्णता के लिए इष्ट साधना अत्यंत आवश्यक है और इष्ट साधना के माध्यम से ही हम भविष्य को
सफलता के साथ आंक सकते हैं और उसका निदान, उसका समाधान किया जा सकता है। साधना कैसी हुई, यानी ऋषियों के बताए मार्ग पर चलना या स्वाध्याय या घर में रहते हुए या घर से बाहर जाकर कहीं हिमालय पर रहकर जैसे प्राचीन काल के ऋषि मुनि किया करते थे, उस तरह की साधना से आपका तात्पर्य क्या है? साधना का तात्पर्य मेरा ऐसा नहीं है कि कोई भी गृहस्थ घर से बाहर छोड़कर के हिमालय में जाकर के बैठ जाए और वहीं पर कोई मंत्र जाप करे, ये तात्पर्य है। तात्पर्य यह है कि अगर उसको सही ढंग से भविष्य को आंकना है, भविष्य का चिंतन करना है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्म क्षेत्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ उसकी संरचना प्रभु ने एक अलग ढंग से की है और वह संरचना किसी इष्ट के साधना के माध्यम से संभव हो सकती है। उस इष्ट के साधना से इस बात का एहसास किया जा सकता है कि जीवन का निर्माण किन तत्वों से और किन तरीकों से स्पष्ट हुआ है, इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में मेरे लिए क्या अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, और यदि वे प्रतिकूलताएं हैं तो इसको किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। उसके समाधान के लिए वह व्यक्ति स्वयं अपने घर में रहकर के भी साधना संपन्न कर सकता है। मैंने ज्योतिष के अलावा उन साधनात्मक ग्रंथों का भी रचन किया है और उन ग्रंथों में मैंने स्पष्ट किया है कि किसी एक मामूली या सामान्य पढ़े लिखे ज्योतिषी या सामान्य ब्राह्मण के संपर्क में या उनके ऊपर आश्रित नहीं रह करके वह स्वयं अगर उस मंत्र जाप या उस साधना को पूर्णता से करे तो वह स्वयं अपने जीवन का सही दृष्टि से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है और जीवन में पूर्णता अनुकूलता प्राप्त की जा सकती है। यानी ज्योतिष की भविष्यवाणियां जो हैं उनमें बजाय ये ऊपरी साधनों से उसका परिष्कार करने के, यदि व्यक्ति अपनी साधना से लगन से कुछ करना चाहे तो उसके लिए संभव हो सकता है। हमारे शास्त्रों में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है और गीता में बिल्कुल दो टूक कृष्ण ने कहा है कि ये सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर निहित है। यदि हम अंदर चिंतन करके उस ब्रह्मांड को देखने की क्रिया संपन्न कर सकें और अंदर उतरने की क्रिया साधना के माध्यम से ही संभव है और वहां उतर करके हम भूतकाल को भी, अपने जीवन के भूतकाल को और अपने जीवन के पूरे वांग्मय के जीवन के भूतकाल को देख के भविष्य काल को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से ही हम अपने जीवन का निर्माण और जीवन की रचना और जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को आंक करके उसके लिए बिल्कुल अनुकूल सिद्धियां पैदा कर सकते हैं। आपने तो स्वयं ज्योतिष के हर अंग पर विवेचन किया है, लेखन भी किया है। आप ये बताएं कि आपने मंत्र और तंत्र, हस्त विज्ञान, इन सभी पर लिखा है, इनके माध्यम से आप लोक कल्याण के लिए क्या करते हैं? ज्योतिष का पूरा आधार ही लोक कल्याण है, इसलिए कि व्यक्ति अपने आप में एक, प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, एक चिंतन होता है कि मैं जीवन के शीर्ष स्थान पर पहुंचूं और प्रत्येक व्यक्ति पहुंचना चाहता है, चाहे वह व्यक्त करे चाहे नहीं करे, मगर ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति शीर्ष स्थान पर पहुंचे। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से या अपने संस्कारों के माध्यम से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के माध्यम से वह उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है, मगर एक सामान्य व्यक्ति अगर उच्च स्थान को प्राप्त करने की क्रिया संपन्न करे तो उसके लिए यह आवश्यक है कि इस छोटे से जीवन में वह ज्यादा से ज्यादा तेजी से और गति से उस स्थान को प्राप्त करने की कोशिश करे, और वह तभी हो सकता है जब उसके आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों का पहले से ज्ञान हो और उन प्रतिकूल परिस्थितियों का इष्ट के माध्यम से परिमार्जन हो, तो वह उस पूरे सफर को, उस रास्ते को बहुत जल्दी पूर्णता और संपन्न करके उसी स्थान पर पहुंच सकता है। इसलिए उस समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए और समाज के कल्याण के लिए ज्योतिष आधार बेस है, उसके माध्यम से जीवन में और जो व्यक्तिगत जीवन है, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे पारिवारिक जीवन है, चाहे किसी के भी जीवन को, जब हम अपने जीवन को शीर्ष स्थान पर पहुंचा सकते हैं तो किसी के भी जीवन को शीर्ष स्थान पर पहुंचाने के लिए उसको मार्गदर्शन किया जा सकता है। जीवन में प्रतिकूल अवसर आते हैं तो लोग तंत्र का सहारा लेते हैं, ऐसा देखा गया है, ये कहां तक उचित है? तंत्र से केवल अपनी बढ़ोतरी की जाए ये तो उचित है, लेकिन उसके साथ दूसरों की अवनति भी तो उसके साथ ही जुड़ी हुई होती है, ये उचित है? तंत्र और मंत्र और साधना और ज्योतिष, इन चारों में कहीं किसी प्रकार का मूलभूत रूप से अंतर नहीं है, एक दूसरे के समान अर्थी है और एक दूसरे के लिए समान उपयोगी है। मंत्र और तंत्र का मूल तात्पर्य इतना ही है कि बिल्कुल एक मंत्र साधनात्मक चिंतन है, साधनात्मक प्रक्रिया है, और तंत्र व्यवस्थित तरीके से उस मंत्र की संरचना की विधान है। तंत्र का तत्पर है कि कोई कार्य हम करें तो पूर्णता के साथ और समायोजन के साथ हमें करें, जिससे कि उस कार्य को, उस साधना को जल्दी जल्दी संपन्न कर सकें और जल्दी जल्दी पूर्णता प्राप्त कर सकें। आपने कहा कि एक व्यक्ति अपने तंत्र साधना के माध्यम से अपना अनुकूलता प्राप्त करने के लिए किसी का अहित करे, तो तंत्र में दूसरे का अहित तो बीच में कुछ संभव है ही, क्योंकि जहां हम अपने अनुकूलता के लिए प्रयत्न करते हैं तो स्वाभाविक 10,000 की भीड़ में यदि हमें शीर्ष स्थान पर पहुंचना है तो बहुत तेजी से 50, 25, 100, 200, 500 आदमियों को धकेल करके तो आगे पहुंचाई जा सकता है,
प्रज्ञानिक क्रिया अपने आप में किसी को नुकसान पहुंचाने की क्रिया नहीं है, वह अपनी गति को आयाम गति को बढ़ावा देने की क्रिया है। तंत्र के माध्यम से अहित करने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं, तंत्र एक व्यवस्थित तरीके से साधना के करने की क्रिया है। आपने देश विदेश का इतना भ्रमण किया है, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति, विशेष रूप से भारतीय ज्योतिष के प्रति आपको सबसे अधिक रुचि कहाँ दिखी, किस देश में? जिस समय भारत में ज्योतिष का एक आधुनिक चिंतन था ही नहीं, और कुछ ज्योतिषी संस्कृत के मंत्रों का, संस्कृत के श्लोकों का सहारा लेकर के और किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ऊट पटांग ग्रहों के पद्धति के बारे में और फलित के बारे में बता देते थे, उस समय मैंने अल्पमूल्य पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से इस चिंतन को तोड़ा, इस विचार को तोड़ा कि यह केवल 4, 6, 10 और 50 आदमियों की बपोती नहीं है। जन साधारण इस चीज को समझ सकता है, समझने के साथ साथ इस बात का एहसास कर सकता है कि क्या मैं ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को अनुकूलता प्राप्त कर सकता हूँ। पर वो नीम हकीम खतरे जान वाली बात नहीं हो जाएगी? नहीं, मगर यदि उसमें रुचि है, वो इतना तो ज्ञान, आज अगर कोई ज्योतिषी उस व्यक्ति कहे तुम्हारे शनि की दशा है, तुम शनि का ये ऐसा कार्य करो, तो वो कहेगा शनि की दशा मेरे ऊपर है ही, शनि का तो क्यों, इतना तो कम से कम ज्ञान है। वह चाहे बहुत ऊंचा इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सके, मगर फ्यूज ठीक करने वाला तो कम से कम बन ही सकता है, जिसमें घर में रोशनी आ सके, प्रकाश पैदा कर सके। रही बात आपने विदेशों में, तो मैंने भारतवर्ष में तो ज्योतिष को और आधुनिक ज्योतिष को प्रारंभ किया ही है, और शायद लाखों व्यक्तियों को ज्योतिष का ज्ञान चिंतन मेरे पुस्तकों के माध्यम से मिला ही है। इस ज्योतिष में यहाँ पर कम से कम 200-300 मैंने ज्योतिष सम्मेलन किए भारतवर्ष में, उनका मैं अध्यक्ष रहा हूँ कई वर्षों तक, और विश्व ज्योतिष सम्मेलन भी दिल्ली में मैंने संपन्न किया था। मगर इसके साथ साथ ज्योतिष के उन सेमिनारों में और ज्योतिष के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए लगभग सभी देशों में मैंने भ्रमण किया है, और मैंने ये देखा है कि वहां पर ज्योतिष को बिल्कुल एक साइंटिफिक दृष्टि, एक वैज्ञानिक दृष्टि से उनका अध्ययन मनन हो रहा है। इस बात को वे स्वीकार करने लगे हैं कि ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति के रोग का बिल्कुल प्रामाणिकता से निदान किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जो हम उसके निदान चिकित्सा के क्षेत्र में 4 घंटे या 6 घंटे या उसका निराकरण देने के लिए, उस मशीनों का सहारा लेने के लिए, उपकरणों का सहारा लेने के लिए जो 10-12 घंटे लग जाते हैं, केवल हाथ के लकीरों के माध्यम से, हाथ के रंग के माध्यम से उसके बारे में तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। इस प्रकार के तो शोध इस समय भी पूरे विश्व में और उन्नत देशों में हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा वाले भी इसको स्वीकार करने लगे। लंदन रॉयल एसआई सोसाइटी ने इस बात को स्वीकार किया कि यदि हमें चिकित्सा में पूर्णता प्राप्त करनी है तो हमें उस पामिस्ट्री को, अस्त्रेखा को आधारभूत लेना ही पड़ेगा। विश्व भर की सुख शांति के लिए आपका ये प्रयास सराहनीय है, और इसके साथ ही आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।